समस्त संत समाज को संत सुरक्षा मिशन महाराष्ट्र की तरफ से आचार्य चंद्र प्रकाश का बहुत बहुत सादर प्रणाम। हमारा संत समाज हमारी सनातन संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसी संत समाज के जो दुर्बल घटक हैं उनके कल्याण के लिए स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज के नेतृत्व में संत सुरक्षा मिशन की स्थापना की गई है। ये मिशन अपने पूरे प्रभाव से आज पूरे देश में छाया हुआ है, काम कर रहा है। आज जब हम समाज में जाते हैं और इस मिशन के बारे में समाज को बताते हैं तो सबसे पहले समाज हमसे ये पूछता है कि एक साधु, वो तो सब कुछ त्याग कर साधु बनता है, माया को त्याग कर साधु बनता है, उससे तो सिवाय भिक्षा के और किसी चीज़ की आवश्यकता होती नहीं, फिर ऐसा क्या आन पड़ा कि साधु को भी कुछ मांगना पड़ रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि अनादिकाल से हमारे समस्त साधु संतों को राजर्षय मिला हुआ था। जब राजा महाराजाओं का समय होता था तब साधु संतों को उनके भोजन पानी की, निवास की और वस्त्र आदि की, उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति राज परिवारों के द्वारा हुआ की जाती थी। इसके अलावा वो जो समय था उस समय में भिक्षा भी बड़ी आसानी से मिल जाती थी, लेकिन आज ऐसा समय नहीं है। आज साधु समाज को, साधु संतों को मांगने पर भी भिक्षा मिलती नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई सहयोग हमारी सरकार की तरफ से है। यही कारण है कि आज हमें इस संगठन के माध्यम से आगे आना पड़ा। आज अगर साधु अपना पूरा समय अपने भरण पोषण में ही लगाएगा तो फिर उसके पास समय कहाँ बचेगा कि वो अपना कर्मयोग कर सके, संसार में सात्विकता को फैला सके। अगर सरकार साधु को, संतों को राजश्रय के रूप में कुछ थोड़ी सी मुद्राएं प्रदान करती है, उन्हें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट देती है, तो साधु के पास इतना समय होगा कि वो अपनी सात्विकता को, अपने कर्मयोग को समाज में फैला सके, जिसकी आज हमें समाज में बहुत आवश्यकता है। और इसी के चलते समाज में नाना प्रकार की त्रुटियां फैली हुई हैं। हमारी कोई बहुत विशेष मांगे नहीं हैं, जैसा कि आपने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे एजेंडों को देखा ही होगा। बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, जैसे कि ज़्यादातर साधु हम अगर देखें तो हम पाते हैं कि ज़्यादातर साधु वयोवृद्ध हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है और बुढ़ापे में तो सभी को रोग बीमारी लगती ही है। तो हमारा एक बड़ा साधु वर्ग जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होता है और उनकी चिकित्सा नहीं हो पाती, उस विषय में हमारी सरकार से दरखास्त है कि साधुओं को मुफ्त में चिकित्सा मुहैया कराई जाए। और इसके अलावा जो बड़ी बीमारियां हैं, अगर किसी को होती है तो उसके लिए आज आवश्यक होता है इंश्योरेंस, बीमा। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साधुओं को बीमा उपलब्ध कराए, इंश्योरेंस उपलब्ध कराए,
जिसका प्रीमियम जिसकी किस्त सरकार अपनी ओर से भरे। इसके अलावा जो साधु को भरण पोषण के लिए भोजन पानी की आवश्यकता है, राशन की आवश्यकता है, सरकार उसे भी साधु को कम कीमत पे या मुफ्त में मुहैया कराए। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है इन सब के अलावा वो ये है कि विभिन्न राजनीतिक स्वार्थ और द्वेषों के चलते सामाजिक जातिगत और आपसी स्वार्थ के चलते हमारे साधु संतों को हम देखते हैं कि कई प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है समाज में। उन पर झूठे केस लगाए जाते हैं और बाद में पता चलता है कि केस का कुछ भी नतीजा नहीं निकला क्योंकि वो झूठा था। तो हम चाहते हैं सरकार से कि किसी भी साधु संत के खिलाफ अगर कहीं कोई शिकायत आती है तो सबसे पहले सरकार शिकायत करने वाले की जांच करे कि वो कितना खरा है और कितना खोटा, उसकी शिकायत किसी राजनीतिक सामाजिक या व्यक्तिगत द्वेष के कारणों से तो नहीं है, और उसके बाद ही फिर साधु पर हाथ डाले। साधु का कर्तव्य होता है, ज़्यादातर साधु सन्यासी होते हैं और सन्यासी का कर्तव्य जैसे कि हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार धर्म का प्रचार करता है, तीर्थों की यात्रा करता है, वो एक जगह नहीं बैठता। तो जब एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश साधु जाता है, तीर्थयात्रा करता है, भ्रमण करता है, तो उसे सबसे ज़्यादा मुसीबत होती है भरण पोषण की, खाने पीने की, निवास स्थान की और पूजा पाठ की। हम देखते हैं जो गरीब साधु हैं वो बड़ी मुश्किल से रेलवे का बस का सफ़र करते हैं और रेलवे के प्लेटफॉर्म पे ही अपना गुजारा करते हैं। उनके लिए ना तो रहने की व्यवस्था ना खाने की व्यवस्था है। तो हम सरकार से चाहेंगे कि सरकार जिला स्तर पर उनके निवास की व्यवस्था करे, छोटे छोटे आश्रम बनाए जहाँ पर साधुओं को निवास की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो और उनके आराधना पूजा पाठ की व्यवस्था हो। जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है वहाँ पर साधुओं को लाइन लगाने से मुक्ति मिले, उनकी लाइन अलग हो। इसके अलावा जो मंदिर है, मठ है, आश्रम है, गुरुद्वारे हैं, उनके लिए बिजली पानी की व्यवस्था सरकार की तरफ से कम रेट पर हो, उसमें छूट दी जाए या उसे मुक्त किया जाए। इसके अलावा जो टैक्स वगैरह हैं उसमें भी छूट दी जाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एक और है और वो ये है कि जो साधु संत अपने वाहन से सफ़र करते हैं प्राय उनको टोल नाके पर टैक्स भी देना पड़ता है, तो सरकार वो टोल टैक्स में भी उन्हें छूट दे। और ये जो सारे साधु संतों के जो सफ़र होते हैं, चाहे वो बस के माध्यम से हो, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से हो या जहाज़ के माध्यम से हो, इनमें सरकार टिकट में साधु संतों को छूट दे। अंत में हम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं जिसकी चर्चा अक्सर हम सुनते हैं टीवी या सोशल मीडिया के माध्यम से, कई संतों को हमने कहते सुना है, और वो विषय है गाय और गंगा का। गायों का कत्ल रुकना चाहिए, गायों के संरक्षण सुरक्षा और गंगा निर्मल हो। आज हम देखते हैं कि गायों के संरक्षण के लिए और गंगा की सफाई के लिए सरकार करोड़ों रुपए के बजट बनाती है लेकिन फिर भी उसमें आशातीत सफलता नहीं मिलती। हम चाहते हैं कि गाय का संरक्षण सुरक्षा
और अधिग्रहण के अलावा गंगा की सफाई का जो काम है वो साधु संतों को दिया जाए, क्योंकि साधु संत इस काम को करेंगे तो साधु संतों में आध्यात्मिक भावना होती है, वह आध्यात्मिक रूप से इन विषयों से जुड़े होते हैं, और इसलिए अगर उन्हें ये काम दिया गया तो वो काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज ने इसके साथ में एक और मुद्दा जोड़ा है, वो हमारी माता बहनों से संबंधित है, जिसे गाय गंगा के साथ गौरी से जोड़ा गया। गौरी से तात्पर्य है हमारी माता बहनें। आज हमारी माता बहनें हम देखते हैं प्रतिदिन सातों दिन परिवार की सेवा में रहती है, इसके अलावा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं, जब भी कहीं सत्संग होता है, प्रवचन होता है, धार्मिक कार्य होता है, तो सबसे ज़्यादा संख्या हमारी माता बहनों की ही होती है। यही हमारी माता बहनें, उन्हें भी किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं है, खास करके जब वृद्धावस्था में पति का साथ छूट जाता है, बच्चे विमुख हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में बुढ़ापे में उन्हें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार साधुओं के साथ साथ हमारी माता बहनों को भी कुछ मुद्राएं, कुछ भत्ते के रूप में उन्हें प्रदान करें, ताकि बुढ़ापे में जीवन संध्या के समय उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो इन सारे छोटे छोटे मुद्दों के लिए जाहिर है कि सरकार को बजट बनाना होगा, साधु संतों के लिए अलग बजट बनाना होगा, और इस बजट के माध्यम से इन सारे कामों को करना होगा। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी जो लड़ाई है साधु संतों के लिए है, जो पिछड़े साधु संत हैं उनके लिए है, और इसके लिए जाहिर है कि हम सबको एक मंच पर आकर संघर्ष करना होगा, सत्याग्रह करना होगा। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज के नेतृत्व में और संत सुरक्षा मिशन के माध्यम से यदि हम इस आयाम को अपने अंजाम तक पहुंचा सके, तो मैं समझता हूं ये संतों के लिए सच्ची सामाजिक सुरक्षा होगी। जय श्री हरि, जय संत समाज।